कौलां जी भलाई केंद्र ट्रस्ट अते भाई गुरिकपाल सिंह जी दी अनमुली देन धार्मिक रसाला सिफत सलाह इस विच अध्यात्मिक विचार पांच खंड की हन निमरता निर्वैरता दया धीरज घट बोलना घट खाना घट सौना जीवन च कैसा होवे इस तो इलावा सवालनामा जिंदगी दियां बारीकियां हड बीतियां बाल सिख्या निक्कियां गल्लां वड्डे असर अनमोल वचन अते गुरु दे प्यारियां दा जीवन ए सब खजाना आप जी दे घर हर दो महीने बाद सिफत सलाह रसाले दे रूप विच पहुंच सकता है रसाला बुक करवाने लई संपर्क करो 98765-2850 सच सुहाया गुरमुख जन्म सवार जगत राय गुरमुख पर उपकारी गिरलाया गुरमुख पर उपकारी संगत गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यार विच भिज के आखो सतनाम तुहाडियां अखां च नशा नजर आना चाहिए बाजां वाले दियां धीआं दा बाजां वाले दे पुत्रां दा इस तरह की भावना बनाओ उन्हां तो परे कोई है ही नहीं तू ही मेरे लिए सब कुछ ये 53वां भाग सिख पंथ दे सत्कारत गुरमुख प्यारे जिन्हां दियां अखां ने गुरु नूं समझिया जिन्हां दे हिरदियां ने गुरु नूं समझिया मुख गुरु वल रखिया मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च कह रहा ये जिहड़ा उन्हां दा प्रकरण चल रहा है कोई एक छट्टा भी पै जाए ओ लगन कितने सानू भी लग जाए मनुखा जन्म लैण दा मनोरथ ही पूरा हो जाए सिख पंथ दे सत्कारत गुरमुख प्यारे अज 53वां भाग ते प्रकरण चल रहा है रंगे हुए गुरसिख भाई गुरदास जी
ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ, ਕਵੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਦਕ ਦਾ ਗੁਣ ਵੰਡਿਆ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਿਆਸਾ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੋਲਾ ਬਦਲ। ਬੇੜੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਿਆਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਉਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਸਿਦਕ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਵਜਲ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ, ਇਹ ਬੱਪੜੀ ਕਿਆ ਨਦੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਸਾ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਰੋ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਅਸਗਾਓ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਸਮੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਹਾਹਾ ਹਾਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੀਕ, ਤਾਰ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਓ, ਦੋ ਨੇ ਤਾਰੂ। ਹਾਹੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, 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 ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ। ਅਸਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਜਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀ।
किन्नी संगत दे अंदर शब्द दा सिदक भरता। भगत कबीर जी मिर्गशाला पर बैठे कभी मिर्ग के लोग हिरनी मिर्ग की चमड़ी आ गई। कबीर जी उत्ते बह गए। सिकंदर लोधी ने हाथ पैर बन के जंजीर गंगा च सुटिया सी। तू राम क्यों कहने पुछो कबीर जी कहते मेरी राखी किन्ने कीती। कहो कबीर अखर तो ए भाग अखर शब्द ने होएगा खसम ता लेगा रा ये शब्द दा सिदक। भाई गुरदास जी ने आज संगत दे अंदर भर दिता। मजबूरी सच्ची होवे मन साफ होवे गुरु दे केंद्र नाल जुड़िया होवे ये पानी भी हाथ जिन्ना रह जांदा बड़े बड़े दरिया भी सुने हाथ होवे तुहानू भुलिया नहीं होएगा क्योंकि जिहड़ा वीरवार कीर्तन हुंदा इह इस तरह का गुरु करांदा ते करावे जो सुनने आ असी नाल नाल खाता खोलदे आ। बाबा जी वीर दे दिओ। भाई गुरदास जी को सिदक सी सिदक वंडिया ते तुसी पिछले दोवें वीरवार की मंगिया मेरा सिखी सिदक ना जाए मेरे ते वी मेहर करी। भाई गुरदास जी दे गुणा विच्चों दर्द दा गुण उना दे हिरदे च दर्द किन्ना सी गुरु कर ले अज ओ सुनियो प्यार। भाई गुरदास जी बाहरों आए भुख बड़ी लगी लंगर घर गए भाई प्रशादा छकाओ भुख लगी। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने भी तवारी खालसा च लिखे है छोलियां दी रोटी ते पानी। महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने भी श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ च लिखे है छोलियां दी रोटी नाल पानी रोटी भी सुकी हुई। भाई गुरदास जी कहते बड़ी सादी जी रोटी छक लई। बीबी भानी जी नू मिले गुरु अर्जन देव जी दे गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे माता जी। बीबी भानी भाई गुरदास जी दे की लगे तुसी सुनिया सी गुरु अमरदास जी की बेटी
बीबी भानी इधरों गुरु अमरदास जी दे भरा दे पुत्र भाई गुरदास जी भैन भराई हो गए मामा लफज भी लिखे गुरु अर्जन देव जी दे वास्ते भी उन्होंने मामा जी हो बीबी भानी जी नाल विचारिया हुण जरा लफज सुनियो जी आ भाई गुरदास बोल रहे हैं बीबी भानी जी नूं हाथ जोड़ के कहिंदे आप जी जगत माता हो भानी जी आप जी जगत माता हो गुरगद्दी मिली है कोई छोटी गल नहीं ते चंगा भोजन भी नहीं छकाया जा रहा छोलियां दी रोटी मैनू ही मिली चंगा भोजन भी नहीं छकाया जा रहा आ संगतां इत्थों लवो तुसीं भी माड़ा मोटा कई वारी दूजा वेला आ जाए तो किन्ने उदास हो जाते वेखो गुरु घर च भी आया वो कहिंदे भी चंगा भोजन भी नहीं छकाया जा रहा अगो बीबी भानी जी कहते हैं भाई गुरदास जी हुण तां छोलियां दी रोटी ते पानी मिले है कई वारी यह भी नहीं मिलता यह टाइम भी आया कई वारी यह भी नहीं मिलता तो भाई गुरदास जी कहते कारण जरा कारण सुनियो अगो बीबी भानी जी कहते हैं पृथ्वी चंद पृथ्वी चंद वड्डा पुत्र गुरु अर्जन देव जी का वड्डा भरा संगतां नूं गुरु अर्जन देव जी कोल पहुंचने नहीं दिंदा इला सुनो प्यार ना जी भाई गुरदास जी ने की रोल अदा किया दर्द किन्ना सी गुरु घर लई दर्द किन्ना सी बीबी भानी जी कहते पृथ्वी चंद संगतां नूं गुरु अर्जन देव कोल पहुंचने नहीं दिंदा हुण अगों लफज लिखे जी वल छल करके अपने वल लै जांदा तीजी गल सुनियो बीबी भानी कहते पृथ्वी चंद ने थां थां ते अपने बंदे खिलारे है उन्हां राही प्रचार करदा मैं गुरु हाँ गद्दी मेरे को मैं वड्डा संगतां नूं गुरु अर्जन देव जी को पहुंचने नहीं दिंदे इस करके फिर जिस तरह का वो टाइम गुजारना पै हुण साडे प्यो की गल सुनो बीबी भानी जी कहिंदे भाई गुरदास जी इधर गुरु अर्जन देव शांत चित होके बैठे रहिंदे अपनी भगती च लवलीन रहिंदे किसे नूं कुछ कहिंदे ही नहीं भी उधर क्यों जा रहे ये अपने शांत चित होके बैठे लवलीन आ कारण भाई गुरदास जी ने विचारिया जरा विचार सुने मैनू बड़ी चंगी लगी भाई गुरदास जी ने की विचारिया आ दर्द है भाई गुरदास जी कहते गुरता गद्दी का कारज है मसला गुरता गद्दी दे पृथ्वी चंद माया नूं मुख रख के भावे कर रहा है सब कुछ मेरे को आवे भाई गुरदास जी कहते जे किसी सिख ते संकट आ गया उन्हें पृथ्वी चंद नूं गुरु समझ के बेनती की ओदे कोलों संकट दूर नहीं होना ते किते संगतां दे अंदर सिखां दे अंदर गुरु घर लई तरेड़ ही ना आ जाए कुछ करना चाहिए गज के आखो कुछ करना चाहिए पृथ्वी चंद कोलों पूरी पैनी नहीं दुख कटे नहीं जाने गुरु नानक की गद्दी लई तरेड़ी ना सच्चे गुरु जिथे जोत है जिथे वो जोत है जिथे ताकत है ओदे बारे संगतां नूं चानना करवाना चाहिए
दसना चाहिए। एवें गुरु ग्रंथ साहब चो पंक्ति दास बोलेगा कि कई बार एडे वे घर भी इंज पर उस वेले जुड़े रहना अंदर तरेड़ ना आन देनी ये भी तुहाडी भगती का हिस्सा है। आज जरा पढ़े जी गुरु ग्रंथ साहब चो पढ़न लगा मैं। मेरा ख्याल है मैं पूरा याद नहीं, याद शक्ति घट गई है, शायद नामदेव जी की पंक्ति भगत नामदेव जी। सैव संकट में ये बाणी है, सैव संकट में सेवक भजे चिरंकाल ना जीवे दो कुल लजे। कहते बहुता चिर जी नहीं सकता तो दोवां कुलां दे विच दोवां जहानां दे विच उहदी लाज नहीं रहिंदी। भाई गुरदास जी भजे नहीं, अमृतसर बैठिया बैठिया बिरती लै जाओ पिपली साहब। भाई गुरदास जी ने तीन काम किए, तीन काम जी दरस सी ना प्रिथी चंद बंदे खिलारे, वो कवे मैं गुरु इधर आनी ना दवे प्रशादा भी मस्ताना हो गया। दरसी भजे नहीं सच्चे गुरु लई तीन काम किए, वो तीन काम सुनियो ता उठ्यो। वैसे ये बाद अगला भी गुण मेरा दिल करता अज साझा हो जाए, पिछली वारी सिदक ते अज दर्द ते। इतना एक एक गुण लैके बाबा जी मेहर करन जिवें भी जिथों तक चलना होया। भाई गुरदास जी का दर्द गुरु घर प्रति, वाहिगुरु जिहड़ा हर वीरवार करदे हो नाल खाता खोल दे, अज भी खोलो मंगो बाजा ले को बैठे हो या। प्यार बख्श दियो अपने प्यारे अमर क्या, प्यार बख्श कह लो प्यारे कह लो अपने भाई गुरदास जी वर्गा प्यार बख्श प्यारे कह लो फिगरा पूरा हो जाऊगा। प्यार बख्श हाँ जी प्यार बख्श दियो
ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜੀ ਕੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 765 2850